आप सब अच्छे हैं। चलो चलते हैं अपने विषय की ओर। विज्ञान विषय में अपन कार्बनिक पदार्थों के नामकरण पर चर्चा कर रहे थे और कार्बनिक पदार्थों के नामकरण अपन तीनों श्रेणियों में कंप्लीट कर चुके हैं और मैंने कुछ होमवर्क के तौर पे आपको कुछ नामकरण घर से करने के लिए दिए थे, तो शायद आपने किए होंगे, प्रयास किया होगा नामकरण करने का। नहीं किया है पता है मुझे, बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया है। चलो देखते हैं, नामकरण करते हैं। सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। लंबी श्रृंखला में 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ भी 1, 2, 3, 4, 5 मतलब कोई सी भी लंबी श्रृंखला अपन ले सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं, सीधा सीधा लंबी श्रृंखला का चयन कर लेते हैं। ठीक है, श्रृंखला हो गई अपनी और ये हो गया अपना प्रतिस्थापी समूह। कोई समस्या नहीं है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, तो कमन किसको देने, प्रतिस्थापी समूह को दे दे। इधर से देखो 1, 2, 3, 4 चार नंबर पे प्रतिस्थापी समूह आ रहा है और इधर से 1, 2 नंबर पे प्रतिस्थापी समूह आ रहा है, तो अपन किधर से अंकन करेंगे, पीछे की साइड से 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये हो गया अपना अंकन। अब अपन क्या करेंगे, इसके नामकरण के लिए सबसे पहले प्रतिस्थापी समूह के अंक कितने नंबर पे है, प्रतिस्थापी समूह 2 नंबर पे क्या लगाएंगे, हाइफन लगाएंगे। नाम क्या है प्रतिस्थापी समूह का, कार्बन एक है मतलब मेथिल समूह, कौन सा समूह है, मेथिल, तो क्या हो गया 2 मेथिल। यहां तो कोई समस्या नहीं है, 2 मेथिल। टोटल कार्बन कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 लंबी श्रृंखला में, टोटल तो इसमें 6 है, ये भी काउंट होगा लेकिन अपन को लंबी श्रृंखला में देखेंगे कितने हैं, 5 मुख्य कार्बन श्रृंखला में, 5 के लिए क्या आ जाएगा, पेन, क्या आ जाएगा, पेन। और सभी में सिंगल बॉन्ड है, कहीं पर भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, मतलब एल्केन श्रेणी का, और एल्केन श्रेणी के लिए क्या लगेगा, अनुलग्न एन लगेगा, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन, क्या हो जाएगा, पेंटेन। तो ये बन गया 2-मेथिल पेंटेन। किस किस का सही है कमेंट करें कि सर मेरा सही है, और जिसने नहीं किया है उसको तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट श्रृंखला की। इसमें देखिए द्विबंध आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, तो अपन को क्या करना है, ऐसी लंबी श्रृंखला का चयन करना है जिसमें क्या आ रहा है, द्विबंध आ रहा है, तो ये अपनी लंबी श्रृंखला हो गई। ठीक है, अब इसमें देखो एक नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से 1, 2, 3, 4 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो किधर से अंकन करेंगे अपन, जिधर से डबल बॉन्ड को कॉमन को मिले। अब अपन प्रतिस्थापी समूह को नहीं देखेंगे क्योंकि इधर से भी 1, 2, 3 नंबर पे प्रतिस्थापी समूह, 1, 2, 3 नंबर पे, लेकिन प्रतिस्थापी समूह को अपन को देखना ही है, जहां पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो वहां पर प्राथमिकता किसको देनी है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को ही प्राथमिकता देनी है। अगर डबल बॉन्ड दोनों साइड से, यहाँ पे मान लो डबल बॉन्ड आता है, तो 1, 2, 3 नंबर पे डबल बॉन्ड, 1, 2, 3 नंबर पे अगर डबल बॉन्ड आता है तब अपन को प्रतिस्थापी समूह को महत्व देना है, बाकी पहली प्राथमिकता किसको देनी है, अपन को डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को देनी है। तो डबल बॉन्ड इधर से 1 नंबर पे आया, तो इधर से कर देते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5 कोई समस्या नहीं है। अब क्या करेंगे, प्रतिस्थापी समूह के अंक और उसके नाम, प्रतिस्थापी समूह कौन सा, क्लोरीन, और इसका अंक कितना, 3, तो क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो, क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। टोटल कार्बन कितने हैं, 5, 5 के लिए क्या आ जाएगा, पेंट, 3 क्लोरो पेंट, और कितने नंबर पे डबल बॉन्ड है, 1 नंबर पे, तो क्या हो जाएगा, पेंट 1-1, क्या हो जाएगा, पेंट 1-1। ठीक है, या फिर 1-pentene भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी वाली बात नहीं है, 1-pentene भी आप कर सकते हो या पेंट 1-1 भी कर सकते हो, क्लोरो 1-pentene। ठीक है, इसी प्रकार अपन देखते हैं यहां पर लंबी श्रृंखला कौन सी हो जाएगी, अपने ट्रिपल बॉन्ड युक्त लंबी श्रृंखला का चयन अपन ने कर लिया। ठीक है, अब देखो इधर से 1, 2 नंबर पे आ रहा है और इधर से 1, 2, 3 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, अंकन किधर से करेंगे, जिधर से कमन को मिलता हो, तो कमन किधर से मिल रहा है, 1, 2 और ये 3, 4 एंड 5। प्रतिस्थापी समूह कौन सा हो गया, CH3 मैथिल। ठीक है, कितने नंबर पे, 4 नंबर पे, तो लिखो 4 मैथिल। ठीक है, अब ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर पे हैं, 1, 2 नंबर पे, तो क्या हो जाएगा, 2 और
कितने हैं टोटल, पांच है, तो पांच के लिए पेंट टू पेंट क्या हो जाएगा, टू पेंट या फिर पेंट टू ई, पेंट टू ई, ठीक है। अब अपन चर्चा करते हैं कार्बन परमाणु के अपरूपों की। अपरूप क्या होते हैं पहले अपन को यह समझना जरूरी है। अपरूप का मतलब भिन्न भिन्न रूप। अपरूप का मतलब क्या होता है, किसी तत्व के भिन्न भिन्न रूप जिनके गुणधर्म क्या हो, भिन्न भिन्न जिनके गुणधर्म भिन्न, मतलब कोई तत्व है वो एक ही तत्व है, वो अलग अलग रूपों में पाया जाता है। किसी एक तत्व के परमाणु जो है वो अलग अलग बंधों से बंधित होकर के कुछ नए रूप बना लेता है, जो कि अपने दूसरे वाले तत्व के जो गुण है उनसे पूर्णतया भिन्न होंगे। अर्थात एक ही तत्व के अलग अलग रूप और उन रूपों में अलग अलग गुणधर्म पाए जाते हैं, जो कि लगभग बहुत सारे गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं अपने संगत दूसरे तत्व के साथ में, तो वो हो जाते हैं अपरूप। और कार्बन परमाणु जो है वो कार्बन परमाणु भी अलग अलग रूपों के अंदर पाया जाता है। कार्बन जो तत्व है अपना, उसको भी जो परमाणु है कार्बन के, वो आपस में बंधित होकर के कुछ विशेष प्रकार के नए रूपों का निर्माण करता है, जिनको अपन क्या कह देते हैं, कार्बन के अपरूप कह देते हैं। तो अपरूप की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। किसी भी तत्व के भिन्न भिन्न रूप जिनके गुणधर्म क्या हो, भिन्न भिन्न हो, वो क्या कहलाते हैं, अपरूप कहलाते हैं। और कार्बन के अपरूप मतलब कार्बन के अधिक सारे रूप जो अपने गुणधर्मों में, भौतिक गुणों में क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। अभी जो कार्बन के अपरूप हैं इनको अपन डिवाइडेशन करेंगे दो पार्ट में। कार्बन के अपरूपों को दो पार्टों में अपन डिवाइडेशन कर देते हैं, बांट देते हैं। पहला हो जाएगा क्रिस्टलीय, और दूसरा हो जाएगा अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय अपरूपों के अंदर इनको बांट दिया जाता है। देखो क्रिस्टलीय अपरूप क्या होते हैं, क्रिस्टल अर्थात जिनकी ज्यामितीय व्यवस्था एकदम निश्चित होती है, जिनके बंद कोण का मान, सॉरी जिनके आबंधन का मान जो बंद है उसका मान निश्चित होता है। अर्थात कार्बन परमाणु एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में बंधित होकर के जिस अपरूप का निर्माण करते हैं वो तो क्रिस्टलीय अपरूप है। और जो अक्रिस्टलीय अपरूप है इनमें कार्बन जो है परमाणु, उसकी कोई निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं होती है। अर्थात जो कार्बन परमाणु आपस में बंधित होते हैं वो निश्चित बंध पर या एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते, इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है, अर्थात अनिश्चित, किधर से भी बंध बना सकते हैं ये। और क्रिस्टलीय अपरूपों में क्या होता है, निश्चित बंध होता है, एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है जिन अपरूपों की, वो हो जाते हैं क्रिस्टलीय अपरूप और ये हो जाते हैं अक्रिस्टलीय अपरूप। अब क्रिस्टलीय अपरूप कार्बन के होते हैं मुख्यतया तीन, कितने होते हैं, तीन होते हैं, जैसा कि एक हो गया आपका हीरा, एक हो गया ग्रेफाइट और एक हो गया फूल। इनके बारे में अपन डिटेल से चर्चा करेंगे और अक्रिस्टलीय अपरूपों के बारे में अपन केवल इनके दो चार एग्जांपल जान लेते हैं बस। जैसे काजल है, कोल है, चारकोल है, कोक है, और कुछ गैस कार्बनिक पदार्थ होते हैं, गैस कार्बन। इन सबकी जो ज्यामिति होती है वो निश्चित नहीं होती। अपन काजल की बात कर लेते हैं, काजल जो है उस काजल की कोई निश्चित ज्यामिति व्यवस्था थोड़ी होती है कि काजल इसी प्रकार का होगा या कार्बन इसमें इस प्रकार से बंध बनाएगा, इतने एक कार्बन जो है कितने कार्बनों से किस प्रकार से बंधित होकर के नए कार्बन, सॉरी नए वो अपरूप का निर्माण करेगा।
तो इसमें ज्यामितीय व्यवस्था इनकी किन्हीं की निश्चित नहीं होती है, आबंधन में इनका निश्चित नहीं होता है, इसलिए इनको अकृष्टीय रूपों में रखा गया। और हीरे हीरा ग्रेफाइट और फुलरीन है, इनकी ज्यामितीय व्यवस्था क्या होती है, निश्चित होती है। इनमें बंध जो होते हैं वो भी निश्चित पाए जाते हैं कि इस प्रकार से बंधित होगा, एक कार्बन परमाणु इतने अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधित होगा, वो निश्चित होंगे हीरे ग्रेफाइट और फुलरीन के अंदर। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन इनके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। अब अपन चर्चा करते हैं कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूपों के बारे में। इस अध्याय में अपन कार्बन के केवल क्रिस्टलीय अपरूपों के बारे में ही अध्ययन करेंगे, बाकी जो अक्रिस्टलीय अपरूप है उनको आप उच्च कक्षाओं के अंदर आगे की कक्षाओं में उनका अध्ययन करोगे। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं क्रिस्टलीय अपरूपों की। परिभाषा मैंने आपको बताई थी, वह अपरूप जिसमें कार्बन परमाणु एक निश्चित ज्यामिति से एक निश्चित बंध कोण द्वारा व्यवस्थित होते हैं। मतलब कार्बन परमाणु जो है वो एक निश्चित बंध कोण बनाएंगे, एक निश्चित बंध कोण और निश्चित ज्यामिति में, मतलब हमेशा के लिए उस कार्बन परमाणु की जो ज्यामिति होगी वो उसी प्रकार की होगी, वो क्रिस्टलीय अपरूप कहलाते हैं। और जिनकी ज्यामिति व्यवस्था निश्चित नहीं होती, बदलती रहती है, वो क्या हो जाते हैं, अक्रिस्टलीय अपरूप। अर्थात जिनकी ज्यामिति व्यवस्था या बंध कोण निश्चित रूप से, कोई भी उनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है, वो अक्रिस्टलीय अपरूप कहलाते हैं। और क्रिस्टलीय अपरूप में अपन बात करते हैं पहले हीरे की। किसकी बात करते हैं, हीरे की। हीरा कार्बन का एक क्रिस्टलीय अपरूप है और कार्बन का बहुत ही अतिशुद्ध रूप है, ये ध्यान रखना। हीरा जो है ना, कार्बन का अतिशुद्ध रूप है। पहले तो आप इसकी ज्यामितीय व्यवस्था देख लीजिए, इसकी संरचना देख लीजिए, कार्बन किस प्रकार व्यवस्थित होकर के हीरे की संरचना का निर्माण करते हैं। एक कार्बन परमाणु अन्य चार कार्बन परमाणुओं से, एक दो तीन और चार, यहां देख लो, एक दो तीन और चार, यहां देख लो, एक दो तीन और चार, यहां देख लो, एक दो तीन और चार, मतलब एक कार्बन परमाणु अन्य चार कार्बन परमाणुओं से जुड़ करके एक दृढ़ त्रियायामी, कैसी संरचना होगी इसकी, दृढ़ त्रियायामी, एक दृढ़ त्रियायामी संरचना का निर्माण करता है। हीरे में एक कार्बन परमाणु अन्य चार कार्बन परमाणुओं से जुड़ करके, संयोजित होकर के, आबंधित होकर के, बंध बना करके क्या करता है, एक दृढ़ त्रियायामी संरचना का निर्माण करता है। तो आपको पूछ ले कि जो कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप हीरा है उसकी संरचना कैसी होती है, तो आपको बताना है दृढ़ त्रियायामी संरचना होती है और एक कार्बन परमाणु अन्य चार कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ होता है। अब यहाँ पर विशेष बात, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे अपन डिटेल से। ये जो हीरा है इसमें क्या क्या विशेषताएं होती है, इसकी संरचना आप एक बार देख लीजिए, कैसे बनानी है संरचना, हीरे ग्रेफाइट और फुलरीन तीनों की संरचना बनानी आपको आनी चाहिए। पहले देखो क्या करना है, अपन ने पिछले वीडियो के अंदर बेंजीन का चित्र बनाया था, आपको पता होगा, उस प्रकार को आप बेंजीन का आकार देना है, ठीक है, ये पहला बना दिया मैंने, ठीक है, इस प्रकार से संरचना है इसमें क्या करना है, एक षटफलक की संरचना का निर्माण बना, देखो ये, ठीक है, कुछ नहीं करना है, कितने हो गए, एक दो तीन और एक ये हो गया चार, ठीक है, चार बन गए। अब क्या करना है, इसके ऊपर से एक निकाल दो, इसके ऊपर एक निकाल दो, अब इन दोनों को मिला दो, फिर इन दोनों को मिला करके नीचे ले आओ, इन दोनों को मिला करके फिर नीचे, इन दोनों को मिला करके फिर नीचे, मतलब बीच में एक लास्ट में आपको ये देखना है केवल ये बीच वाली लाइन का थोड़ा सा ध्यान, मतलब जो आपने जितने भी ये बेंजीन संरचना बनाई है उनके बीचों बीच में आपको क्या करना है, नीचे की साइड में थोड़ा सा एक कार्बन परमाणु और जोड़ना है और उनको सीधा सीधा क्या कर देना है, मिला देना है और इसको बाहर निकाल देना है। मतलब आगे की तरफ आप अपन जितनी चाहे वैसी ये षटफलक की संरचना आगे भी और बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक समझाने के तौर पर जो हीरे की संरचना है वो अपन इतनी सी बना दे चल जाती है ना। आप कहोगे सर यहाँ पर तो ये एक दो तीन तीन कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ, अभी आगे की संरचना में और जुड़ती रहेगी, कार्बन परमाणु में जैसे जैसे संरचना को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे कार्बन परमाणु और जुड़ते जाएंगे। यहाँ पर जो संरचना है ये आपको व्यवस्थित रूप से दिखाई दे रही होगी जिसमें एक कार्बन परमाणु अन्य चार कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है। अभी एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसकी संरचना बनाने का प्रयास कीजिए।
अब जो कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है हीरा, उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे, फिर उसके उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे कि हीरे का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। देखो हीरा जो है इसका पहला और मुख्य विशेषता इसकी होती है कि एक कार्बन परमाणु अन्य चार कार्बन परमाणुओं से जुड़ करके एक दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है। देखो एक कार्बन परमाणु, एक कार्बन परमाणु अन्य चार कार्बन परमाणु से संयोग कर एक दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण। ठीक है, कार्बन की हीरे की पहली विशेषता क्या होगी, एक कार्बन परमाणु अन्य चार कार्बन परमाणु से संयोग करके एक दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है। आपको ये जो बात है ये शायद 8th क्लास में 9th क्लास में भी आपको पढ़ने को मिली थी कि कार्बन परमाणु जो होता है वो कितने कार्बन परमाणु हीरे में आपस में बंधित होते हैं, एक कार्बन परमाणु अन्य चार कार्बन परमाणुओं से बंधित होता है और संरचना कैसी बनेगी, दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फलकीय संरचना। हीरे की संरचना कैसी होती है, दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फलकीय संरचना। इसके दूसरे गुण की बात करते हैं, मैंने आपको बताया था ये हीरा जो है वो कार्बन का अतिशुद्ध रूप है, कार्बन का अतिशुद्ध रूप है, अतिशुद्ध रूप है कौन, हीरा। ठीक है, तीसरी इसकी विशेषता की बात करते हैं, अगर कार्बन कार्बन परमाणु आपस में बंधित होते हैं तो उनके मध्य की जो बंध दूरी है वो कितनी होगी, वो होगी बंध दूरी का मान, बंध दूरी का मान कितना होगा, 154 एंगस्ट्रॉम, 154 एंगस्ट्रॉम या फिर इसको अपन 1.54 पिकोमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, एंगस्ट्रॉम में पूछे तो 154 एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर में पूछे तो 1.54 पिकोमीटर, मतलब एक कार्बन परमाणु जो दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ था तो उसके बीच की दूरी कितनी थी, 154 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कितनी थी, 154 एंगस्ट्रॉम। तीसरी इसकी विशेषता के बारे में, चौथी इसकी विशेषता के बारे में चर्चा करेंगे, कार्बन परमाणु जो है हीरे में, कार्बन परमाणु एक कार्बन परमाणु अन्य चार कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है अर्थात तो उसकी संयोजकता क्या हो गई, कंप्लीट। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, चार, मतलब एक कार्बन अन्य चार परमाणुओं से जुड़ सकता है और यहाँ पर इसकी संयोजकता कंप्लीट हो जाती है जिससे हीरा जो है वो विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक। क्यों होता है विद्युत का कुचालक, इसकी संयोजकता कंप्लीट हो जाती है, कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं बचते हैं और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, आवेश नहीं है, तो आपको पता होगा आवेशों के स्थानांतरण को ही विद्युत धारा कहते हैं, अगर आवेशों का प्रवाह नहीं होगा तो विद्युत धारा कैसे बहेगी, नहीं बहेगी, तो ये विद्युत का क्या हो जाएगा, कुचालक। विद्युत का कुचालक क्यों होगा, क्योंकि आवेशों का प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन है ही नहीं और इलेक्ट्रॉन क्या आवेश है, ऋणावेश इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉनों का आवेश नहीं है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं हो रहा, आवेशों का प्रवाह नहीं हो रहा, तो विद्युत धारा का प्रवाह भी नहीं होगा। विद्युत का कुचालक होता है क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। आपको पूछ ले कि हीरा जो है वो विद्युत का कुचालक होता है जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, क्यों, तो हीरे में तो आपको क्या कारण बताना है, कुचालक होने का, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, इसकी संरचना में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, एक कार्बन परमाणु अन्य चार कार्बन परमाणु से जुड़ करके अपनी संयोजकता को कंप्लीट कर लेता है। नेक्स्ट इसकी विशेषता के बारे में चर्चा करेंगे, पांचवी विशेषता, हीरा जो होता है
अत्यधिक कठोर होता है, अत्यधिक कठोर। और अत्यधिक कठोर क्या, बहुत सी किताबों में पढ़ने को मिलता है कि अब तक का ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ हीरा ही है। हीरा जो है वो अब तक का ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है। आपको कोई पूछ ले कि कार्बन का कौन सा अपरूप जो वर्तमान में सबसे अधिक कठोर ज्ञात पदार्थ है, तो वो कौन सा है, हीरा अब तक का सबसे कठोर, सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। अब ये कठोर क्यों हुआ, हीरे के अत्यधिक कठोर होने का कारण क्या है, हीरा कठोर क्यों है। हीरा कठोर होता है उसके कार्बन परमाणुओं के मध्य प्रबल सहसंयोजक बंध पाया जाता है, प्रबल सहसंयोजक बंधों का एक जाल पाया जाता है, प्रबल सहसंयोजक बंधों की वजह से हीरा क्या होता है, अत्यधिक कठोर। हीरे के कठोर होने का कारण क्या है, प्रबल सहसंयोजक बंधों की वजह से, मतलब कार्बन परमाणु जो है अन्य कार्बन परमाणु से प्रबल सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा रहता है। कौन से बंध से, सहसंयोजक बंध से, और वो प्रबल है इसका मतलब क्या होगा, बहुत ज्यादा कठोर होंगे, उनको तोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए वो क्या हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। और कठोर है तो आपको पता है इसका गलनांक भी क्या होगा, अत्यधिक होगा। जो चीज जितनी कठोर होगी उसको गलाने के लिए, उसको पिघलाने के लिए, उसको द्रव अवस्था में बदलने के लिए तापमान की भी क्या होगी, अधिक आवश्यकता। तो अत्यधिक कठोर है तो इसका गलनांक कितना होता है, गलनांक इसका उच्च होता है, कितना, 3843 केल्विन, 3843 केल्विन तापमान की आवश्यकता होती है हीरे को गलाने के लिए, अर्थात ठोस से द्रव अवस्था में बदलने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है, 3843 केल्विन की। फिर अपन चर्चा करते हैं हीरा पारदर्शी होता है, कैसा होता है, पारदर्शी। पारदर्शी क्यों होता है हीरा, पारदर्शी होता है कि जब कार्बन की चट्टानों पर अत्यधिक ताप और दाब लगा, कार्बन की चट्टानों पर जब अत्यधिक ताप और दाब लगने की वजह से वो क्या हो गया, पारदर्शी हो गया। हीरा कैसा हो गया, पारदर्शी, अत्यधिक कार्बन की चट्टानों पर, कार्बन की चट्टानों पर अत्यधिक दाब व अत्यधिक दाब की वजह से हीरा क्या हो गया, पारदर्शी हो जाता है। हीरा कैसा होता है, पारदर्शी क्यों होता है, कार्बन की चट्टानें जो है उन पर अत्यधिक दाब व ताप की वजह से हीरा पारदर्शी हो गया। अब हीरे को क्या बनाया भी जा सकता है, एक तो अपन ने पढ़ा कि हीरे को कहां से प्राप्त करते हैं अपन, कार्बन की चट्टानों से, खनिजों के द्वारा भूमि से खोद करके निकाला जाता है ना, कार्बन की चट्टानों के रूप में ये हीरा प्राप्त होता है। क्या हीरे को प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में भी बनाया जा सकता है, क्या बनाया जा सकता है। अपन ने अभी पढ़ा था हीरा कार्बन का अति शुद्ध रूप है, अति शुद्ध रूप मतलब कार्बन के शुद्ध रूप को अपन लेंगे, एक बहुत ही शुद्ध कार्बन को अपन लेंगे और उन कार्बन परमाणुओं से क्या करेंगे, अत्यधिक ताप और दाब लगाएंगे, शुद्ध कार्बन परमाणुओं को लेकर के उन पर क्या करेंगे, अत्यधिक ताप और दाब लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा, हीरा बन जाएगा। अर्थात हीरे का संश्लेषण भी किया जा सकता है, हीरे को मानव के द्वारा निर्मित किया जा सकता है, कब, जब शुद्ध कार्बन परमाणु पर या शुद्ध कार्बन पर अपन क्या करेंगे, अत्यधिक ताप और दाब लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा, हीरा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अपन उपयोग की बात करते हैं। पहले इसका एक आठवीं विशेषता रहेगी, इसका संश्लेषण किया जा सकता है ना, शुद्ध कार्बन पर, शुद्ध कार्बन पर अत्यधिक दाब व ताप देकर संश्लेषण भी किया जा सकता है, हीरे का संश्लेषण भी किया जा सकता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप, शुद्ध कार्बन पर क्या करेंगे, अत्यधिक दाब और ताप देंगे तो हीरे का संश्लेषण भी किया जा सकता है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर समझ में नहीं आया तो वापस देख लीजिए, कार्बन परमाणु में चार कार्बन परमाणु
संतुलन से संयोजित होता है और एक दृढ़ क्रिया में संरचना का क्या करता है, निर्माण करता है। और कार्बन का अतिशुद्ध रूप कौन है, हीरा। बंद दूरी का मान कितना होगा, 154 एंगस्ट्रॉम या फिर 1.54 पिकोमीटर। फिर उसके बाद विद्युत का कुचालक होता है, क्यों होता है विद्युत का कुचालक, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, इसकी संयोजकता कार्बन की चार होती है, चाहे चारों संयोजकताएं कंप्लीट होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। हीरा अत्यधिक कठोर होता है और अब तक का सबसे कठोर पदार्थ हीरा ही है, और कठोर होने का कारण क्या है, प्रबल सहसंयोजक बंध का पाया जाना। गलनांक कितना होगा, 3843 केल्विन। पारदर्शी होता है, कार्बन की चट्टानों पर अत्यधिक दाब और ताप की वजह से हीरा क्या हो गया, पारदर्शी हो गया। और इसका संश्लेषण भी किया जा सकता है, शुद्ध कार्बन पर अपन क्या करेंगे, अत्यधिक ताप और दाब से हीरे का संश्लेषण भी किया जा सकता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अपन बात करते हैं ये जो हीरा है, इस हीरे के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं। हीरा बॉलीवुड वाला हीरे की बात नहीं कर रहा, बात कर रहा हूँ कार्बन के अपरूप हीरे की, है ना। कार्बन का अपरूप जो है हीरा, इसके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं। कार्बन के अपरूप हीरे का पहला उपयोग बता दूं आपको, कांच को काटने में। किसको काटने में, कांच को काटने में, ठीक है। एक है चट्टानों व पत्थरों को काटने की मशीनों में, ठीक है। पत्थरों व चट्टानों को काटने वाली जो मशीनें होती हैं, उन मशीनों में भी इसका हीरे का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तीसरा जो है वो इसका उपयोग होगा आभूषणों में, ये तो पता होगा सबको। आभूषण का मतलब गहनों के अंदर भी हीरे का उपयोग होता है, पता ना, आभूषणों में। और चौथा इसका उपयोग होता है फोनोग्राम की सुई में, फोनोग्राम की सुई में, ठीक है। ये चार इसके उपयोग है हीरे के। पहला उपयोग क्या हो गया हीरे का, कांच को काटने में, हीरे के द्वारा कांच को काटा जाता है। दूसरा, जो बड़ी बड़ी चट्टाने होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उनको काटने की जो मशीनें आते हैं, उन मशीनों के अंदर भी किसका उपयोग होता है, हीरे का उपयोग। एक आभूषणों के अंदर हीरे का उपयोग होता ही है ना, नगीनों के रूप में जो हार वगैरह होते हैं, इन सब के अंदर क्या होता है, आभूषणों में हीरे का उपयोग किया जाता है। और चौथा इसका उपयोग हो गया फोनोग्राम की सुई में, फोनोग्राम की जो सुई होती है, उस सुई को बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, किसका, हीरे का। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नई कक्षा में नए वीडियो के साथ। लाइक और शेयर जरूर करें।